का रास्ता बनाया भाई। ये मैगी पूरा भर के भर प्लेट मैगी, ये मेड बाय संपा जी। यस पिता ये है शुक्ली। भाई के पास हमारे सारे सामान छोड़ के हम अगला ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। भाई थोड़ा पीछे दिखा दो, देख देख यहाँ पे हाँ। इसमें टेंट है, मैट्रेस है हाँ। और स्टोव है हाँ। केरोसिन है हाँ। हम नीचे टेंट लगाएंगे हाँ। और खाना भी पकाएंगे। चलो हम निकल पड़ते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो, हमने अपना बम्बू ट्रैक के लिए जो ट्रैक तय करना है वो स्टार्ट कर दिया है और नीचे जो पानी का जो लहर है वो यहाँ से सुनाई दे रहा है। नीचे जो एक नेचुरल पूल है उसका आवाज़ यहाँ से सुनाई दे रहा है और वहाँ से हमें फिर आगे बढ़ना है वो बम्बू ट्रैक के लिए जो जाता है मौनन खान। चलो आगे मिलते हैं, साथ में रहिएगा अनबाउंड बर्ड्स के साथ। कुछ भी कहे, आगे जाने का, पीछे आने का, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, कहीं नहीं जाने का, सिर्फ बीच में रहने का। ठीक है, बम्बू ब्रिज इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। ओके, ब्यूटीफुल बम्बू ब्रिज, टू गुड। क्या जगह है भाई, वाओ ग्रेट। थ्रिलिंग पूरा फील करने की है। क्या बात है, वो ग्रेट। ज्यादा रिस्क मत लेना है, नहीं तो देवानंद बन जाएगा। टोपी भी देवानंद के जैसे ही पहनी है, देवानंद हो जाएगा तो क्या होगा। हम तो राजेश खन्ना है भाई, देवानंद नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ये पूरा पुल
ये जो बंबू पुल है पूरा, ये क्रॉस करने के बाद ये जो ऊपर है, ये स्टेयर्स जो ऊपर गया है, इससे ऊपर पहुंचने के बाद ही ये ख़त्म होने वाला है। एकदम ऊपर चढ़ेंगे फिर वो एंडिंग पॉइंट है। क्या कुछ नहीं है इंडिया में, आप लोग ज़रूर आइएगा, ये एडवेंचर ज़रूर करिएगा। ये स्टेयर्स देखिए कैसे हम आ रहे हैं, कैसे हम जा रहे हैं। बनाया है भाई, वाओ इट्स अमेजिंग। हम वो ऊपर तक जाएंगे, एकदम ऊपर तक। बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, लेकिन मजा भी बहुत ही है। के ऊपर चढ़ते चढ़ते हम एंड तक पहुंच गए हैं, यही है एंड पॉइंट। डर के आगे जीत है। आया सस्ते है, चले आओ बच्चे। कहाँ आ गया भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया में ऐसा भी कुछ जगह है जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे आना भी इतना इजी नहीं है, वो भी सही है, लेकिन एक बार ट्राई करना तो ज़रूर है। आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार यहाँ पे आइए प्लीज़। लोग मुझे घंटे के लिए, मैं आपका हाथ पकड़ के लेके आऊंगा ताकि ऐसा हो कि कोई मेरा भी हाथ पकड़ा हुआ रहे। यही वो रॉक है जिसके एकदम टॉप में हम गए थे, वो बंबू की सीढ़ी को चढ़ के। रियली मजा आ गया। मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है अभी। आज अनबाउंड बर्ड्स यानी विक्रम आज एक नदी के किनारे अपना टेंट लगाया है। थोड़ा शाम हो गया था अभी। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, नज़ारा कुछ ऐसा है। ये ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे हम खाना पका रहे हैं। लकड़ी जंगल से लाया है, चारों ओर सिर्फ जंगल है और रात भर यहाँ पे गुजारना है इस पत्थर के नीचे। कल सुबह होते ही आपको हम दिखाएंगे हम कहाँ पे थे।
आइए एक साथ खाना खाएंगे। जंगल में वाइल्डनेस और उसमें खाना बनाना, माइल तक कोई आदमी नहीं हो वहाँ पे जंगल में खाना बनाना और जंगल में लकड़ी जला के रात भर सोना, इसका मज़ा कुछ और है। चले आइए एक साथ रहेंगे तो हमें भी थोड़ा ताकत मिलेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। आप यूं ही साथ रहिए, हम और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाने वाले हैं कल सुबह। मेरा दाल और चावल बन गया है, इसी आग से हम बनाए हैं, ये आग रात भर जलाएंगे। Wonderful. चाल और डबल बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। अब खाएंगे, आ जाइए ना प्लीज। अब मैं दुनिया के इस दुनिया से बाहर हूँ, मैं पूरा एकदम प्योरिटी में आ गया हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ मुझे भी पता नहीं है। चलिए मेरे साथ रहिए।